नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज कौन सी है ये 7.6, 7.5 बाद में कर लेंगे, एक्सरसाइज 7.6 है, इसका 7.5 के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है, वो हम बाद में कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 7.6 में बच्चों इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कौन सा मेथड है ये, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये हम तब अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, जैसे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ गए u into v, इनको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम ये वाला मेथड लगाएंगे, ठीक है, dx, कैसे लगाएंगे, एक फंक्शन को हम फर्स्ट अज्यूम करेंगे, एक को सेकंड अज्यूम करेंगे, ठीक है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज रखेंगे, यानी कि u को आपको एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आप सेकंड फंक्शन को, इंटीग्रेट किसको करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, सेकंड का, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक बड़ा सा साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन वी डी एक्स, और इस होल का ये जो बाहर साइन लगा हुआ है ना इंटीग्रेशन का, इस होल का इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ डी एक्स लिखेंगे। देखो इसको जितना भयंकर दिखाई दे रहा है ना, ये इतना है नहीं, इसलिए देख के तो डरना मत जरा भी, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये बहुत सिंपल होता है। फिर से पढ़ो इसको, क्या किया आपने, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उनको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, देखो जरा, एक को फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करेंगे, एक को सेकंड फंक्शन अज्यूम करेंगे, एक फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, आपको एक को फर्स्ट अज्यूम कर लेना, एक को सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट करना है फिर आपको फर्स्ट फंक्शन को, किसको डिफरेंशिएट करोगे, और इंटीग्रेट किसको करोगे, सेकंड फंक्शन को, फिर होल का इंटीग्रेशन। अगर ये आपको ऐसे कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, कैसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डीएक्स और फिर होल का डीएक्स, ऐसे, ठीक है, इस टाइप से हम इंटीग्रेट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो जरा डेफिनेशन को भी साथ में रखते हैं। देखो एक क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, कैसे इंटीग्रेट करोगे, x को लेना है फर्स्ट और साइन x को लेना है सेकंड, फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट किसको लेना होता है और सेकंड किसको लेना होता है, अभी तो आप इस क्वेश्चन को करो। देखो बच्चों मेरे साथ साथ लिखना है, अपना नहीं लिखना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि x एज इट इज, इंटीग्रेट किसको करना है, सेकंड को, सेकंड को इंटीग्रेट करना है, सेकंड हमारा क्या है, साइन एक्स, साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है, बताओ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर ही दो उसको, लिखो मत नहीं तो फिर बहुत लंबा सा दिखाई देने लग जाएगा, माइनस ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है बच्चों, ये तो लगाना ही है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट फंक्शन को, बताओ फर्स्ट क्या है, एक्स, बताओ एक्स का डिफरेंशिएशन वन, ठीक है, वन इंटू इंटीग्रेट करना है सेकंड को, इंटीग्रेट करना है सेकंड को, सेकंड कौन है,
साइन बताओ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स इनटू डीएक्स। अब देखो जरा, ये तो क्या बन गया, फर्स्ट टर्म क्या बन गई, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव, ये कॉस और डीएक्स, तो माइनस तो बाहर चला गया, ये पॉजिटिव बन गया। अब वन इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस एक्स, बताओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, प्लस में क्या लिखना है, समझ आया, आया ना, ठीक है, इस टाइप से आपको इंटीग्रेट करना है। एक क्वेश्चन और देखो, डेफिनेशन आपके सामने है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डीएक्स, बताओ ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन बताओ, फर्स्ट फंक्शन को क्या करोगे, एज इट इज रखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, जो कि क्या होता है e टू द पावर x ही होता है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बताओ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x इनटू dx, क्या बन गया, x e टू द पावर x माइनस, अब बोलो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है, e टू द पावर, तो e टू द पावर x, प्लस में क्या लिखोगे, c, क्या कॉमन आ गया यहाँ से, अंदर क्या बचा, x माइनस वन, प्लस में, समझ आया, तो मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, ठीक है बच्चों, चले आगे। अब एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, एक्स साइन एक्स, सो लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन थ्री एक्स, एक्स को क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन, एक्स को क्या लेना है, फर्स्ट, साइन थ्री एक्स को लेना है सेकेंड डी एक्स, और बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने के लिए आईलेट का रूल फॉलो होता है, आई एल ए टी ई, आईलेट, सो आई स्टैंड्स फॉर आई एल ए टी ई, आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ठीक है बच्चों, e stands for exponential function, तो इस order में हमारे पास दो function का combination आया, जैसे यहाँ पर x और sin x, तो x है बच्चों x की power वाले, जितने x x square x cube जैसे भी जितने भी function हो ऐसे वाले, वो होंगे algebraic function, क्या होंगे, algebraic, और एक है trigonometric, आपके पास अभी जो combination है वो algebraic और trigonometric का है, तो इस order में जो पहले हो उसको first और जो इस order में second बाद में हो उसको second, इसलिए x को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड फंक्शन लेना है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही लेना है, करो अप्लाई अब इस पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, साइन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव वन, एक्स का डेरिवेटिव वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड बताओ जरा, माइनस कॉस थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री डी एक्स,
समझ रहे हैं सभी बच्चे? दिस इज इक्वल टू, तो बच्चों ये हो गया माइनस एक्स कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस। अच्छा ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस, और 1 बाई 3 को बाहर लिख दो इंटीग्रेशन से, अंदर आपके पास बचेगा कॉस 3x dx। क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? माइनस एक्स कॉस 3x माइनस प्लस 1 बाई 3 कॉस 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, साइन 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस में इस 3 इंटू 3 को क्या लिख दोगे 9, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है चलें आगे। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। बताओ एक्स स्क्वायर क्या है, एल्जेब्रिक, ई टू द पावर एक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल। तो एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में से किसको फर्स्ट लिया जाएगा, एल्जेब्रिक को फर्स्ट क्योंकि वो पहले आता है उस ऑर्डर में, एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेना है और एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना है। ठीक है बच्चों, एल्जेब्रिक को फर्स्ट लेना है और उसको सेकंड लेना है। बदलता क्यों नहीं, काहे नहीं बदलता है? आई इज इक्वल टू बोलो एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। बताओ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये मैंने सेकंड का इंटीग्रेशन किया है यहाँ पर, और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, सो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर e टू द पावर x माइनस। बताओ जरा इसमें बोलो, तो को बाहर लिख दे x ex into dx। अब इसमें क्या करेंगे, x को फिर से फर्स्ट ले लेंगे, e टू द पावर x को सेकंड ले लेंगे। ठीक है दैट इज एक्स स्क्वेयर e टू द पावर x माइनस 2। इसके ऊपर बच्चों फिर से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव 1 और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस में क्या है। देखो जरा एक्स स्क्वेयर e टू द पावर x माइनस, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो बच्चों क्या बनेगा 2x e टू द पावर x, ठीक है 2x e टू द पावर x प्लस 2। इसको इंटीग्रेट करना है ना आपको, इसका इंटीग्रेशन करना है, किया तो नहीं है ना अभी, ठीक है मैंने ब्रैकेट पहले ही ओपन कर दिया तो ये 2x ex हो गया और ये 2 इस यहाँ पर भी आएगा तो प्लस 2 हो गया, लेकिन इसको इंटीग्रेट करना है अभी आपको। सो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है प्लस में सी। बताओ क्या बना, ई टू द पावर एक्स तो होल में कॉमन है इसलिए कॉमन ले लीजिए, ई टू द पावर एक्स तो होल में कॉमन है इसलिए कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस में 2 प्लस क्या सी, ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन आ गया।
ठीक है। चलें आगे, डाउट है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग ऑफ एक्स डी एक्स, बताओ किसको फर्स्ट लेंगे और किसको सेकंड। लॉग एक्स को फर्स्ट लेना है और एक्स को सेकंड लेना है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग एक्स एज इट इज, सेकंड का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। वैसे आपने देखा कि पूरे इसमें कहीं भी फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट नहीं होता है, फर्स्ट फंक्शन कभी भी इंटीग्रेट नहीं होता, इसलिए आपके पास एक फंक्शन ऐसा आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, कि आप जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है, तो उसको फर्स्ट ले लो, सेकेंड लो ही मत, वो कहीं इंटीग्रेशन उसका होगा ही नहीं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू, log x का इंटीग्रेशन अब हमें नहीं पता, इसने log x को सेकंड लिया ही नहीं। देखो log x को क्या लिया, अपनी मर्जी से भूल गए सकते हो, तो मान को हाईलाइट फॉलो करना पड़ेगा ना, ये वो इसीलिए बनाया है, वो वही सोच के बनाया है, ठीक है। x स्क्वायर / 2, हाईलाइट कोई रूल नहीं है कि आपको वो फॉलो करना है, ठीक है, वो तो हमने अपनी हेल्प के लिए क्या बना लिया, टूल बना लिया, हाईलाइट इज नॉट ए रूल, वो तो क्वेश्चंस कर करके प्रैक्टिस कर करके देख के फिर कहा कि अगर ऐसे करेंगे तो इजीली हो जाएगा, कर तो कैसे भी सकते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो उल्टा भी कर देंगे, log x x square by 2 minus sin of integration differentiation of first function, log x का डेरिवेटिव 1 upon x, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया log x का डेरिवेटिव, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x square का इंटीग्रेशन x square by 2 dx, दिस इज इक्वल टू क्या बन गया भैया, x square by 2 log of x minus, इसको यहां से कट करो, क्या बाकी बचेगा, x dx, ठीक है, कर दो इसको इंटीग्रेट, दिस इज x square by 2 log of x माइनस, आप बताओ x का इंटीग्रेशन, x square by 2 प्लस c, ठीक है, ये हो जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ I इज इक्वल टू, बताओ क्या है, x log 2x, x log of 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे, फिर से भाई log 2x क्या है, फर्स्ट फंक्शन, x क्या है, सेकंड फंक्शन, अकॉर्डिंग टू आई लेट, एक फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन लेना है और दूसरे को सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है, आई लेट के अकॉर्डिंग आईलेट के अकॉर्डिंग किसको फर्स्ट लोगे, लॉग टू एक्स को फर्स्ट लेंगे और एक्स को क्या लेंगे, सेकंड, आ जाओ यहाँ पर अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग टू एक्स एज इट इज, लॉग टू एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव वन अपॉन टू एक्स इंटू टू,
वन बाई टू एक्स इंटू टू एक्स का भी करेंगे दैट इज टू, और फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू और डी एक्स, दिस इज इक्वल टू बताओ जरा एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग टू एक्स, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ टू से बच्चों टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया और बचा हुआ हाफ को बाहर लिख देते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ओ नीचे का एक्स भी था भाई, तो एक एक्स बचेगा ना यहाँ पर, एक्स से एक्स कट होगा तो ऊपर एक्स बचेगा सिर्फ, दिस इज एक्स स्क्वायर बाय टू एज इट इज, लॉग टू एक्स भी एज इट इज, माइनस वन बाय टू, बताओ एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस में, तो ये टू और टू मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मिटा दूं, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों जरा, करो खुद से ट्राई करो, सिक्स्थ क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, करो ट्राई, वीडियो पॉज कर दिया है मैंने, बताओ क्या आप करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग एक्स को एज इट इज रखा, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होगा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स क्यूब बाई थ्री डी एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस, इसको यहां से कट करो क्या बचेगा, वन बाई थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, समझ आया, आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई थ्री, बताओ इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, क्या हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री लॉग ऑफ एक्स आवर नहीं माइनस वन बाई नाइन चतुष आवर, ठीक है चलिए आगे, कर लिया सभी ने, अगला क्वेश्चन सेवन्थ हम बाद में करेंगे, एट्थ हम बाद में करेंगे, नाइन्थ हम बाद में करेंगे, टेंथ हम बाद में करेंगे, इलेवेंथ हम पहले करेंगे, ठीक है इलेवेंथ हम पहले करेंगे, ये एनसीईआरटी वालों ने बड़ा रैंडम तरीके से लिखा हुआ है, इनको पता ही नहीं कि कौन सा सम कब लिखना चाहिए, ठीक है इलेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाओ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, आइए जरा देखो बच्चों जरा क्या करेंगे इसमें, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव है ना इसमें अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसलिए आप पुट करो, पुट क्या करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी
वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू डी टी, माइनस आएगा साथ में, माइनस इधर लगा देंगे, ठीक है, माइनस आएगा ना साथ में, वो राइट में लगा देंगे, लेफ्ट के जाए राइट में माइनस डी टी, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और, अगर आपने कॉस इनवर्स एक्स को टी पुट किया तो आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू कॉस टी, करो भाई आई इज इक्वल टू, बताओ जरा क्या करें इसमें, एक्स के जगह क्या रख देंगे कॉस टी, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिया है टी, कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिया है टी, और ये जो डी एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है इसके जगह क्या लिखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस बाहर लिख देंगे डी टी। अब दिस इंटीग्रेशन इज लाइक एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स किसके कैसे होना चाहिए, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको टी एल, टी एलजेब्रिक है भाई, टी क्या है एलजेब्रिक, ठीक है करो जरा आगे, कर पाओगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अच्छा माइनस तो बिगनिंग में ही लगा के छोड़ दो, माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन टी, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन, टी का डेरिवेटिव वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कॉस का क्या होगा साइन इन टू डी, ठीक है प्लस में क्या लिख देंगे दिस इज माइनस ऑफ टी साइन टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, आप टी को वापस भी चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे क्या कोई बता सकता है टी को वापस कैसे चेंज करेंगे, टी टी की वैल्यू क्या है भाई कॉस इनवर्स एक्स, और साइन टी की वैल्यू क्या होगी कौन बताएगा साइन टी की वैल्यू, साइन इनटू कॉस इनवर्स हो जाएगा, देखो बच्चों टैन टी, लिसन कॉस टी कितना है, कॉस टी कितना है कॉस टी को, अच्छा साइन टी को क्या लिख सकते हो आप, साइन टी को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, साइन टी को क्या लिख सकते हो अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, लिख सकते हो यस, दिस इज इक्वल टू वन माइनस कॉस टी कितना है भी देखना जरा, तो ये क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर, वो दोबारा सीखना है, साइन टी को क्या लिख सकते हो आप बताओ, साइन टी को क्या लिख सकते हो वन माइनस, ये समझ आया आपको ये साइन टी को वन माइनस कॉस स्क्वायर टी कैसे लिखेंगे दोबारा बताना, ओके देखो जरा बच्चों साइन स्क्वायर टी क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस टेंथ की आइडेंटिटी, तो साइन टी कितना हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, कॉस टी की वैल्यू कितनी है एक्स, इसलिए कॉस स्क्वायर टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर, समझे यार अभी भी नहीं समझे चमकाना, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में कॉस टी की वैल्यू बताइए वहाँ से एक्स प्लस में सी के साथ कौन सा वाला, अच्छा माइनस एक्स, एक्स के साथ, हाँ एक्स के साथ माइनस लगाओ यहाँ माइनस है क्योंकि ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है चलें आगे चलें, नहीं
अब आओ टेंथ क्वेश्चन पे, अब आओ टेंथ क्वेश्चन पे, देखो जरा टेंथ क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रल आई इज इक्वल टू बोलो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर आपके पास लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना आ जाए तो क्या करोगे? लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना आ जाए तो आप क्या करोगे? एटलीस्ट मैं तो नहीं जानता लॉग एक्स का, लॉग एक्स पर टी ले लेंगे ना, स्किप नहीं करना है बच्चों, स्किप तो बिल्कुल नहीं करना है। एक काम करते हैं, जब ऐसा फंक्शन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हमें पता ही नहीं, उसके इनटू में क्या लिख देते हैं? वन लिख देते हैं, उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख देते हैं? वन। एंड बच्चों उसके बाद इस लॉग एक्स को ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और इस दूसरे वाले फंक्शन को ले लेते हैं सेकंड, ठीक है? और वन इंटू में तो लिख ही सकते हैं। अब लॉग एक्स एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि वन का इंटीग्रेशन, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके ओके, नाराज नहीं, नाराज नहीं, नाराज नहीं, नाराज, गुस्सा बुद्धि का दुश्मन है। माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन बताओ, फर्स्ट का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डीएक्स। सो ये क्या हो गया, एक्स लॉग एक्स, इससे इसको कट कर देंगे, वन बचेगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ठीक है, देखो x इंटू लॉग ऑफ x माइनस वन प्लस, ये लॉग x का इंटीग्रेशन, ये लॉग x का इंटीग्रेशन। एक बात बताओ, क्या इसका डिफरेंशिएशन लॉग x होगा? क्या इसका डिफरेंशिएशन लॉग x होगा? इसका, इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू, देखो बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाओ, एक्स एज इट इज लॉग एक्स का वन बाई एक्स, लॉग एक्स का वन बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव करेंगे जो कि वन, और माइनस में एक्स का डेरिवेटिव कितना, वन, ये कट हो गया, वन आ गया यहाँ पर, और ये वन इस वन से कट कर दो, बचा क्या, लॉग एक्स। देखो इसका डिफरेंशिएशन लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स का इंटीग्रेशन फिर ये फंक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, yes। चले आगे, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, इसमें भी वही करेंगे, इसका इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन अभी तक तो हमने नहीं सीखा, और शायद सीखोगे भी नहीं, सारी ये तो इनवर्स, ठीक है, इसलिए इसको वन से मल्टीप्लाई कर दिया, वन से मल्टीप्लाई करके इसको अज्यूम कर लेंगे फर्स्ट, और इसको क्या अज्यूम कर लेंगे सेकंड, इनटू डीएक्स, ठीक है। अच्छा तो आई हमारा क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स माइनस, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव बताओ, इसका डेरिवेटिव, पावर आगे, पावर एक कम, इनटू में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन बाई वन माइनस एक्स, इनटू क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड फंक्शन क्या है, वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स डीएक्स, ठीक है, समझ आया। अब एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट का तो इससे आगे कुछ नहीं करना ना, सिर्फ सेकंड पार्ट को इंटीग्रेट करना है। अब सेकंड पार्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है, सेकंड पार्ट ही, क्वेश्चन नंबर 11 ही है सेकंड पार्ट जो अभी अभी करके आए, तो पहले वो सीखना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन सीखना चाहिए हमें, एनसीईआरटी में उल्टा लिखते हैं वो, पता क्या करते हैं,
पहले ये क्वेश्चन कर लो ताकि नाम करना ही ना पड़े। वही तो बात है फिर डालाई क्यों है। या तो ऐसा होना चाहिए कि पहले हम ये क्वेश्चन सीखें है ना अलग से, फिर ये पूरा क्वेश्चन करें, और जब सेकंड इलेवेंथ करना है अब हमें ये अलग से करना पड़ेगा। इलेवेंथ से अलग से कैसे करना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। इस पर कोई केस वेस तो नहीं हो जाएगा ना, मैं एनसीईआरटी वालों की बुराई कर रहा हूँ, आजकल केस वेस बहुत हो जाते हैं है ना भाई, पता नहीं गवर्नमेंट एजेंसियों कैसे कुछ भरोसा नहीं है। इतनी नाराजगी काहे भाई, हम अपने शब्द वापस ले लेंगे, इतनी नाराजगी काहे है। ठीक है तो ये वाला पार्ट आपका क्या है अलग से करना पड़ेगा। I1 is equal to क्या है 2 into sin inverse x into x upon under root 1 minus x। ठीक है इसको आप पिछला आंसर मुझे बताओ क्या है इसका, पिछले क्वेश्चन का आंसर बताओ, उसमें cos था माइनस में आया प्लस में आ गया, कॉस साइन से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक प्लस माइनस का डिफरेंस आएगा। ठीक है तो इस वाले पार्ट को कर लो कि आप अपने आप, ठीक है ना, इस पार्ट को अपने आप से कर लोगे ना, नहीं आएगा तो मुझे कल बताएंगे आप। ठीक है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो एक छोटा क्वेश्चन करवा देता हूँ, 12th क्वेश्चन करवा देता हूँ, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है एक नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है x इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू sec square x dx i इज इक्वल टू दिस, कैसे करेंगे बताओ। वही एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में फर्स्ट कौन होता है भाई, एल्जेब्रिक फर्स्ट होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होता है सेकेंड, और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टेन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, बताओ फर्स्ट का डेरिवेटिव वन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टेन एक्स डी एक्स। ठीक है क्या हो गया एक्स टेन एक्स माइनस, इस वन को तो हटा दूं मैं, ठीक है तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, माइनस माइनस तो उस माइनस की वजह से हो गया प्लस, log ऑफ cos x mod plus c, क्या ये सुंदर नहीं है सर, 1 by cos x। ठीक है वो log sec होता है, वो 1 by cos sec बन जाता है, उसको I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x log ऑफ x का होल स्क्वायर dx। ठीक है बाकी बचे हुए बीच के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वो थोड़े से हार्ड क्वेश्चन है, पहले हम इजी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि एक बार आप अच्छे से करना सीख जाएं। दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, आई इज इक्वल टू बताओ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, टू लॉग ऑफ एक्स इन टू वन बाई एक्स। ठीक है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स।
तो ये आ गया भाई एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो टू से टू को कट कर दो, एक्स से एक्स को कट कर दो, एक्स एक्स लॉग एक्स। बताइए क्या कंफ्यूजन है। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड, ओ माय गॉड, मतलब बच्चे सीख गए, बच्चे सीख गए, ये बात मुझे समझ आ गई कि बच्चे सीख गए हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स माइनस, बताइए बच्चों, इसको मैं वन गो में ही कर देता हूँ, ठीक है, एक ही स्टेप में कर देता हूँ मैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, आपको स्टेप बाई स्टेप करना है, आपको जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे नहीं करना है, आपको एक स्टेप पहले पूरा जैसे आप पहले एक्स लॉग एक्स का करके आए वैसे ही करना है, अभी तो कर लो बट एग्जाम वगैरह में जब आप करते हैं तो पूरे स्टेप्स के साथ करना है। साइन ऑफ इंटीग्रेशन देखो जरा, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन बाई एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, चलो मैं पूरा ही कर दूँ, एक ही तो स्टेप लिखना है जरा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से यहां पर आता है ना, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स, ये इससे कट हो गया माइनस वन बाई टू, क्या बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई, एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस, इस स्टेप को सिंप्लीफाई कर लोगे बच्चों, ठीक है। अब ये बताओ टेस्ट कब दे रहे हो, देखो वो